नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारे जितने भी सैन्य कर्मचारी हैं, जवान हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, उनके लिए बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको दो बड़ी जो खबरें हैं उनसे रूबरू करवाएंगे, तो जुड़े रहे दोस्तों हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, जो भी न्यूज आती है उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच के। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम आपको बताते हैं कि एक एक करके बड़ी खबर को विस्तार से। दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहली और बड़ी खबर है जिसमें बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सर्विस मैन वेलफेयर की तरफ से दोस्तों ये जो लेटर है वो 25 मार्च 2022 को जो जारी किया गया था, मेमोरेंडम की तरफ से इस लेटर की कॉपी जो तीनों सेना को भेज दी गई थी, द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, द चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ को। जैसे दोस्तों आप जो सब्जेक्ट दिया गया है, आप सब्जेक्ट में देख रहे हैं कि इसमें बताया जा रहा है कि जो रिमेंबरमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ नॉट अवेलेबल एनी मेडिसिन एंड जो कंज्यूमेबल्स अंडर ECHS। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं इसका सब्जेक्ट दिया गया है। इसमें दोस्तों बताया गया है कि जो मेडिसिन एनए है वो आप बाहर से खरीद सकते हैं और जो नॉर्मल कंडीशन में आप इसको जो 25,000 रुपये तक की जो इसमें दिया गया है, दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप इसमें 25,000 तक की जो आपकी नॉर्मल कंडीशन में आप मेडिसिन है वो ले सकते हैं 30 दिनों तक के लिए। जी हाँ दोस्तों, जो आपकी स्पेशल कंडीशन में आप 75,000 रुपये तक की जो मेडिसिन आप 30 दिन के अंदर खरीद सकते हैं। और इसमें बताया गया है कि दोस्तों कैंसर से जो संबंधित मेडिसिन है वो आप इसमें 5,00,000 की जो मेडिसिन खरीद सकते हैं जो कि इसमें नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, एनए में इसके लिए आपको जो नॉन एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर OIC इसी से लेना पड़ेगा। दोस्तों, अगली हमारी जो बड़ी खबर है उसकी तरफ हम रूबरू करते हैं। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एयरफोर्स जवानों के लिए बड़ी राहत, अब UPSC में पास कर बन सकेंगे अधिकारी, मिलिट्री कोर्ट का बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसमें हम आपको डिटेल से बताते हैं, वायुसेना में कार्यरत अधिकारी अब सिविल सर्विस में भी जा सकते हैं। इस संबंध में मिलिट्री कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। इसमें आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल या मिलिट्री कोर्ट ने कहा है कि सेना के जो अधिकारी UPSC सिविल जो सर्विस या फिर स्टेट लेवल सिविल सर्विस की परीक्षा पास कर ली है उन्हें वायुसेना छोड़ने की अनुमति दे दी जाए। ट्रिब्यूनल्स ने भारतीय वायुसेना को आदेश दिया कि एयरफोर्स की याचिकाओंकर्ता को सिविल सर्विस में जाने के लिए एयरफोर्स को छोड़ने की अनुमति दे दी जाए और 2 सप्ताह के अंदर सिविल सर्विस में जाने की अनुमति दे दी जाए। तो दोस्तों, इसमें बताया जा रहा है कि जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं कि जो भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाले जवानों को फिलहाल UPSC के माध्यम से सिविल सर्विस में जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल या मिलिट्री कोर्ट ने कहा है कि वायुसेना के जो अधिकारी UPSC सिविल सर्विस या स्टेट लेवल सिविल सर्विस की परीक्षा पास कर ली है उन्हें वायुसेना छोड़ने की अनुमति दे दी गई है। जहाँ दोस्तों ट्रिब्यूनल्स ने भारतीय वायुसेना को आदेश दे दिया गया है और एयरफोर्स की याचिकाओं को सिविल सर्विस में जाने के लिए एयरफोर्स को छोड़ने की अनुमति दे दी जाए, 2 सप्ताह के अंदर जो सिविल सर्विस में जाने की अनुमति दे दी गई है। 2 अधिकारी ने मिलिट्री कोर्ट में अपने वकील के माध्यम से याचिका दायर की थी। दोस्तों, ये थी आज की हमारी 2 बड़ी अपडेट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। तो मिलेंगे जल्द ही बड़े अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय जवान, जय किसान।